कैसे ये सिस्टम पूरा जो हैकिंग का है वो काम करता है। सबसे पहले जो हैकिंग होती है वो होती है टारगेटेड हैकिंग। इसको हम थोड़ा डिटेल में यहां देखते हैं। दूसरा होता है स्कैम्स, जो सबसे कॉमन थ्रेट होता है दुनिया में। जो स्कैम्स होते हैं वो कॉमनली, जब वो कोई स्कैम हो रहा होता है तो जो स्कैम करने वाला होता है उसे ये नहीं पता होता है कि इस स्कैम का शिकार कौन बनेगा, हु इज द प्रे जिसको कि वो अटैक कर रहा है। और तीसरी बहुत स्पेशल और बहुत ही रेयर है, वैसे रेयर तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है, इसको बोलते हैं हम एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, APT। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो टारगेटेड हैकिंग है वो क्या चीज होती है। टारगेटेड हैकिंग सबसे कॉमन हैकिंग नहीं है, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो टारगेटेड हैकिंग होता है ये आपके आसपास के लोग, जैसे आपके मित्र, आपके कोवर्कर्स, आपके एक्स स्पाउस या करंट स्पाउस, या ऐसे लोग जो आपको जानते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन या ऐसी किसी चीज को चोरी करना चाहते हैं, डेटा को जिसका वो इस्तेमाल करें। सपोज, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक कलीग है आपका, वो ये जानना चाहता है कि आप किसी दूसरे कलीग से क्या बात करी है आपने आज से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या आपकी उससे किस तरह की बातें होती है। और वो अगर आपके लिए आपके फोन की हैकिंग करेगा, उसको हम बोलेंगे टारगेटेड हैकिंग। इससे उसको क्या मिलेगा? अब वो क्या करेगा, वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट या आपके SMS या आपके टेलीग्राम या जिस भी मैसेजिंग आप ऐप का आप इस्तेमाल करते हैं, उस ऐप को वो हैक करने की कोशिश करेगा ताकि वो उन चीजों को पढ़ सके, जान सके। उसका पर्पस क्या है? कोई भी पर्पस हो सकता है। उसका पर्पस हो सकता है आपकी कंप्लेन करना, आपकी या कुछ भी, किसी भी तरह की आपकी चीजों की जानकारी लेना, या आपका पासवर्ड निकालना। बेशक, व्हाई नॉट, अगर आप किसी को, आपने किसी के साथ पासवर्ड शेयर किया है अपने ईमेल आईडी पे या ईमेल आईडी के थ्रू या फिर किसी भी और चीज के थ्रू, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये चीजें निकल सकती हैं। हम यहाँ देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे हैं एंग्री ट्रॉल, मतलब कोई आपसे नाराज है, गुस्सा है और उसको आपका कुछ डेटा या आपको कुछ नुकसान पहुंचाना है उसको, तो वो आपकी हैकिंग कर सकता है। वो आपके किसी इंफॉर्मेशन को निकालना ही सिर्फ हैकिंग नहीं होती है, इंफॉर्मेशन को हटाना भी हैकिंग होती है। अगर आपका एक कोवर्कर है, वो आपसे किसी न किसी वजह से अगर जलता है और वो चाहता है कि आपने कोई काम किया है उसको डिलीट कर दो ताकि वो कल आके एम्बेरस हो ऑफिस में, या आपका कोई कलीग है जो आपके साथ पढ़ाई करता है, आप उसकी चीज को डिलीट कर दें ताकि वो क्लास में जाकर के टीचर या प्रोफेसर के सामने एम्बेरस हो, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट टू हैकिंग। वो भी हैकिंग को ही बिलोंग करता है। स्टॉकर्स होते हैं, हैरासर्स होते हैं। हैरासर्स मेनली इन केस ऑफ फीमेल, कि कई लोग हैरास करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में वो उल्टे सीधे मैसेजेस भेजना, उनको उनकी चीजों को लेने की कोशिश करना, ऐसी चीजों को जो वो आदमी या औरत नहीं देना चाहता है, शेयर नहीं करना चाहता है, वो भी एक हैकिंग है। एक और तरीका है हैकिंग का, टारगेटेड हैकिंग का, और उसको हम एज ए कलेक्टिंग एविडेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपकी हैकिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो कुछ एविडेंस को जुटा जुटा सके, जैसे आपने किसी बारे में कुछ, आप किसी से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, या किसी की फोटो आपके पास है और मुझे वो फोटो चाहिए, मैं एक हैकर हूं, या मुझे, मैंने आपको टारगेट बना लिया कि मुझे आपका वो सामान चाहिए, तो मैं आपकी हैकिंग की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकूं किसी ऐसे जगह पे जिससे कि आपका नुकसान हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए। एक एक्स स्पाउस है, मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ है जो किसी न किसी वजह से सेपरेट हुए हैं, जो अलग हो गए हैं, डिवोर्सी हैं, और वो एक दूसरे के, अब वो उनका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और वो एक दूसरे के अगेंस्ट
कुछ न कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके। तो ये भी दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू टारगेटेड हैकिंग, ये टारगेटेड हैकिंग है। तो इस तरह की मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे आपको रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सपोज आपका एक कलीग है, उसने आपको उसने किसी दूसरे कलीग को कुछ मैसेज भेजा, आपको उसको एज ए एविडेंस अपने बॉस के सामने, अपने डायरेक्टर के सामने, अपने प्रोफेसर के सामने रखना होता है। अगर आप उसकी भी चोरी करते हैं, वो भी एक चोरी है और वो भी एक हैकिंग ही है। तो ये हो गया टारगेटेड हैकिंग के बारे में बताया मैंने आपको। दूसरे होते हैं स्कैम्स। अब स्कैम्स क्या होते हैं? स्कैम्स यूजुअली किसी टारगेट को नहीं किया जाता। हाँ, ये भी होता है टारगेट, लेकिन ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। जैसे किसी कंट्री को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, किसी बड़े से रीजन को टारगेट करना, ऐसी टारगेटिंग, ऐसे टारगेट जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं हैकर्स को, वो सपोज मैं इसके लिए भी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो आपको दिखने में ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बुक्स अवेलेबल हैं या ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, या गेम अवेलेबल है जो बहुत आज लोग बहुत खेलते हैं गेम्स को। तो गेम्स डाउनलोड करने के लिए या खेलने के लिए आप हमारे पास आते हैं, मेरी वेबसाइट पे आते हैं, और मैं आपका डेटा, आपके कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का डेटा वहीं से चोरी कर लेता हूँ। तो वो एक स्कैम हुआ वो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरी वेबसाइट पे कौन सा आदमी आएगा। तो ये टारगेटेड हैकिंग नहीं है, ये हैकिंग बिल्कुल प्रॉपर जेनरिक स्कैम्स हैं, जो चोर होते हैं या स्कैमर्स होते हैं या एक्सपीरियंस हैकर्स होते हैं, वो आपके लिए एक जाल बनाते हैं। इट्स काइंड ऑफ स्कैम, जिसमें कि आप खुद ट्रैप होकर के फंस जाते हैं और गलती से अपना डेटा उनको आप दे देते हैं। ये आपका जो डेटा होता है वो ब्लैक मार्केट में जाता है कई बार बिकने के लिए। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इसका हम कैसे ब्लैक मार्केट में कैसे इसको बेचते हैं और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम सबको ऐसा लगता है कि अगर मेरे बैंक का पासवर्ड हैक हुआ या मेरे पैसे चोरी हुए, तब तो हैकिंग हो गई। ये यूजुअल परसेप्शन है। क्या अगर किसी को ये पता लग जाए कि मैंने कोई किसी को फोन किया या मेरे पास क्या मैसेज है या मैं कहाँ गया हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कोई हैकिंग तो है नहीं, लेकिन ये भी हैकिंग है। अब मैं क्योंकि मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे उस डेटा का इस्तेमाल वो करते हैं आपको ही इन्फ्लुएंस करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे तरह की हैकिंग की बात करते हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हैकिंग होती है और इसके बारे में आपको शायद पता भी ना चले कि यू आर बीइंग हैक्ड। इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। हमने कभी ना कभी सुना होगा स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग के बारे में, कि भाई एक कंट्री अमेरिका है, वो हैकिंग करती है और वो पूरी दुनिया पे नजर रखती है, चाइना पे, इंडिया पे, कि वो क्या कर रहे हैं। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सच है, ऐसे ही होता है। सारे स्टेट अंडर देयर ओन कैपेबिलिटीज, जितना उनके पास स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग वो जरूर दूसरी कंट्रीज को या दूसरी कम्युनिटी को या ऐसे बिलोंगिंग्स को जो जिनको वो जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, वहाँ की हैकिंग वो करते ही करते हैं। ये ऐसा होता है एंड दिस इज वेरी यूजुअल। दूसरी है ऑर्गेनाइज्ड हैकिंग, और तीसरी हैकिंग है ऐसे लीगल एप्स के द्वारा की गई हैकिंग जो हमें कभी पता नहीं चलता। मतलब जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मल ऐप, सपोज आपने इंस्टॉल किया व्हाट्सएप और फेसबुक। हालांकि फेसबुक तो अब काफी बदनाम हो चुका है अपने डेटा लीक को लेके और डेटा सेलिंग को लेके, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करें कि वो फेसबुक या व्हाट्सएप या ऐसे जो हम रेगुलर ऐप्स हैं, जो जिनका जिनको हम बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं,
वो कैसे हैकिंग करते हैं और वो क्यों हैक करेंगे, उनको जरूरत क्या है हैक करने की। अब ये है हाउ डज ऐप कलेक्ट आवर डेटा। तो अब हम उसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक बार जब किसी हैकर ने हमारे ऐप को, हमारे ऐप के अंदर वो आते कैसे हैं और वो आके उसके अंदर करते क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके मोबाइल फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको परमिशन देनी पड़ती है। जैसे अगर आप थोड़े पुराने मोबाइल फोन्स को छोड़ दें, जो भी आज के डेट में मॉडर्न मोबाइल फोन्स हैं या अपडेटेड, अगर पुराना मोबाइल फोन है उसके ऊपर आपके पास अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल फोन में वो पूछता है कि दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर कैमरा, योर माइक्रोफोन, अलाउ डिनाई। हम क्या करते हैं, फटाफट अलाउ कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता होता है कि जब तक मैं वो डालूंगा नहीं वो चलेगा नहीं ऐप। लेकिन ऐसे नहीं है, जब हम ऐप की इंस्टॉलेशन करते हैं, इस बात को बहुत केयरफुली सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उस ऐप को हम सारी परमिशंस उसी वक्त दें, हम उस वक्त डिनाई कर सकते हैं। अगर वो ऐप फिर भी नहीं चले, हम उस ऐप के परमिशन को इंस्टॉलेशन के टाइम पे बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं। और अगर डिनाई करने के बाद भी वो ऐप ना चले तभी उसको परमिशन बाद में ग्रांट करिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ऐप को आप उसी वक्त ग्रांट करें सारी परमिशन जितने की वो मांगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आज के नए मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, जो वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस और ऐसे कई फ़ोन हैं, एमआई है, रेडमी है, इस तरह के फ़ोन्स जो मार्केट में हैं। आप इसमें से मैक्सिमम ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जिसके लिए आप बेसिक चीज़ों को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐप परमिशंस होती क्या है और क्यों चाहिए होती है। अगर एक हमारे पास क्लॉक का ऐप है, मतलब अब हम क्लॉक से या किसी घड़ी या कैलकुलेटर के ऐप से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या परफॉर्म करे, वो ऐप्स हमारे लिए या तो समय दिखाते हैं या हम उसके ऊपर अलार्म सेट करते हैं या ऐसे ही छोटी चीज़ें स्टॉपवॉच का यूज़ करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं। अब अगर आप उस ऐप को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वो ऐप आपसे पूछेगा कि मुझे ये परमिशन दो कि मैं आपके कॉल्स को देख सकूं, मैं आपके माइक्रोफोन को रिकॉर्ड कर सकूं, मैं आपके कैमरा को रिकॉर्ड कर सकूं, मैं आपके स्टोरेज को एक्सेस कर सकूं, मैं आपके एसएमएस को पढ़ सकूं। क्या ज़रूरत है उनको, मेरे एसएमएस के पढ़ने से क्या घड़ी में कोई डिफरेंस आएगा, क्या वो घड़ी की सुई तेज चलेगी धीरे चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। इसलिए ये सबसे प्राइमरी चीज़ है ऐप की परमिशंस, कि आप ऐप को ऐसे अलाउ करें, सिर्फ इतना अलाउ करें जितना वाइजली अलाउ करें। मतलब अगर एक क्लॉक ऐप है और वो चाहता है आपके कॉल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड, कॉल को रिकॉर्ड करना, आपके एसएमएस को पढ़ना, आपके कैमरा को पढ़ना, आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, डिनाई दोज ऐप्स, आपको वो ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उनके बदले। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास जो ऐप्स मिलेंगे आपको, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था अभी कैलकुलेटर और क्लॉक ऐप की, अगर आप जो मैंने फ़ोन कंपनीज के नाम लिए, ऐसी कंपनीज अगर कोई हैं उनका फ़ोन आपके पास है और आप अगर क्लिक कर रहे हैं आपको दिखे ये कि वो आपको, आपसे अननेसेसरी परमिशंस मांग रहा है, मोर परमिशंस देन दे एक्चुअली रिक्वायर, तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या करना है, आपको उसको डिनाई करके छोड़ना है और उसको फिर से लॉन्च करके देखिए। अगर वो फिर भी लॉन्च नहीं होता है, वो फिर भी आपसे परमिशन मांगता है, उस ऐप को डिजेबल करके छोड़ दीजिए। उसके बदले आप कोई किसी अच्छे कंपनी का ऐप, जैसे गूगल का कैलकुलेटर का ऐप अपना आता है, गूगल का
अपना जैसे कैलकुलेटर का भी ऐप होता है, आप उन ऐप्स को इस्तेमाल करिए। आप अगर डाउनलोड करेंगे गूगल का क्लॉक या गूगल का कैलकुलेटर, तो आप देखेंगे वो आपसे कोई भी परमिशन नहीं मांगता। मैं आपको एक ब्राउजर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो हमारे पास, हम क्रोम का ब्राउजर यूज करते हैं या फिर कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, तो ब्राउजर यूज करते समय हम ये देखते हैं कि ब्राउजर एक्सेस करने से पहले आपसे स्टोरेज की परमिशन मांगता है। तो उसको स्टोरेज की क्या जरूरत है? वो है जरूरत। वो स्टोरेज की जरूरत उसको इसलिए है क्योंकि वो जब आप किसी भी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या सेव करने की कोशिश करते हैं अपने डिवाइस पे, तो वो बिना आपके डिवाइस के स्टोरेज का एक्सेस किए हुए उसको अपने लोकल डिवाइस पे सेव नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आप कुछ डाउनलोड ना करें। सपोज आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे, इंस्टॉल करने के टाइम पे वो आपसे स्टोरेज की परमिशन मांगता है, आपने वो परमिशन उसको नहीं दिया, तो भी उस ऐप को चलना चाहिए, ताकि वो बेसिक फंक्शन उसका ब्राउजिंग का है वो आपको करा के उसको देना ही चाहिए। और ऐसा ही होता है। लेकिन आप किसी अननेसेसरी ब्राउजर्स को सर्च मार के कि ये ऐसे एक्स ब्राउजर, वाई ब्राउजर, और कमाल की बात है एक यूसी ब्राउजर इंडिया में इतना चलता था और वो एक टोटल मलिशियस ऐप होता था, जो कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि इट वॉज टेकिंग, वो ऐसी परमिशन चाहता था आपसे जो उसको रिक्वायर्ड नहीं थी। वो आपके कैमरा की परमिशन मांगता था, माइक्रोफोन की परमिशन मांगता था, आपके कॉल लॉग्स की परमिशन मांगता था, आपके एसएमएस की परमिशन मांगता था। जितने भी एप्स बैन किए गए हैं वो सब अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, जो उनको परमिशन थी जिसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको वो फैसिलिटी देने के लिए ऐसी ही परमिशन वो मांगते थे, जिसकी वजह से उनको बैन किया गया। और बैन करने की वजह ये बनी कि वो उस आपके यूजर के डेटा को उठा के ले जाते थे। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका डेटा कैसे स्टोर होता है सर्वर्स के ऊपर, जो थर्ड पार्टी सर्वर्स होते हैं या जो एप्स वाले होते हैं वो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो जो मैंने आपसे बात करी वो ऐसे एप्स जो लीगली अवेलेबल नहीं होते हैं, वो मलिशियस ऐप होते हैं, जो जिनकी इंटेंशन यही होती है कि आपसे डाटा चुरा के ले आए। अब हम बात करेंगे लीगल ऐप्स की। ये लीगल ऐप्स क्या चीज होती है? लीगल ऐप्स एक नॉर्मल कॉमन यूज होने वाले ऐप्स हैं जो आप अपनी जिंदगी में कॉमनली यूज करते हैं और आप उसके डिपेंडेंट बन चुके हैं। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, ये ऐसी एप्लीकेशंस है जिनके बिना, मतलब ये आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और इनको आपको डाटा देना ही पड़ता है। मैं फेसबुक की बात करता हूँ। आप अपने मोबाइल के ऐप परमिशन वाले सेक्शन में जाइए, वो आपके मोबाइल में किसी और नाम से भी हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली इस बात को रिजेंबल करना चाहिए कि वो ऐप की परमिशन को डिसाइड करता है। आप उस ऑप्शन में जाएं, जाके वहां देखें कि उस ऐप ने आपके मोबाइल की कौन सी परमिशंस ले रखी हैं। तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो आपके यहाँ से कितना अननेसेसरी डेटा लेके जाते हैं। अगर चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या कोई भी लीगल ऐप हो, उसको इस बात की क्या जरूरत है कि उसको हमारा कॉल लॉग पढ़ने की जरूरत पड़े कि हमने किसको फोन किया या हमने किसको एसएमएस भेजा या हमारा फोन जो है वो किस स्टेट में है, वो स्लीपिंग मोड में है, एक्टिव मोड में है, या लोकेशन की परमिशन, हर वक्त किसी का लोकेशन ट्रैक करने की क्या जरूरत होती है। तो हम इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करेंगे, लीगल ऐप्स और मलिशियस ऐप के बारे में। एक मलिशियस ऐप होता है, मलिशियस ऐप मतलब खराब इंटेंशन वाला ऐप, जो आपको अल्टीमेटली आपके लिए या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको हार्म करेगा। ये कैसे आते हैं हमारे कंप्यूटर में, आते कैसे हैं या हमारे मोबाइल फोन्स में घुसते कैसे हैं? मलिशियस ऐप्स आपको
किसी ना किसी तरह से प्रॉम्प्ट करते हैं, एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या आप किसी सर्च इंजन में जाते हैं और वो सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने कई बार सुना होगा, डाउनलोड दिस ऐप एंड गेट 50 रुपीज इन पेटीएम। तो वो क्यों ऐसा करते हैं, मतलब वो 50 रुपये क्यों देंगे आपको पेटीएम में? उनको क्या जरूरत पड़ी है कि आप उनका ऐड या उनका ऐप डाउनलोड करो, वो 50 रुपये देंगे? ये हमेशा इन फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। ये मलिशियस ऐप करते ही ऐसे हैं, आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, ल्योर करते हैं आपको, मतलब आपको लालच देते हैं कि आप पैसे ले लो, आप गेम फ्री में डाउनलोड कर लो, या व्हाट्सएप का एक एक सिक्योर्ड वर्जन, ऐसा वर्जन हमारे पास है। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा व्हाट्सएप गोल्ड के बारे में। ये एक ऐसा फीचर रिच एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, जो थोड़ा डिफरेंट है और ये आपको अलग, ये प्रीमियम है, ये आपको फ्री में मिलेगा, डाउनलोड करिए। या व्हाट्सएप में भी आते हैं, आप ऐप इंस्टॉल करिए, आपको अमेजोन से गिफ्ट मिला है 500 रुपये का, या ऐसे ही ल्यूरिंग और लालच वाले मैसेज होते हैं, वो आते हैं, आप उसको गलती से क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर वो कुछ नहीं होता, आप भूल जाते हैं उस बारे में, आपको लगता है कि वो, अरे क्लिक हुआ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। कई बार लोगों को क्या होता है ना, वो ये देखते हैं कि 10 मैसेज को क्लिक करके देखते हैं क्या होगा, मैं क्लिक कर दूंगा, कुछ नहीं होता, क्लिक करने के बाद वो ऐप आएगी या कुछ भी होगा, वो पैसे दे दिए तो दे दिए, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंस्टॉल होने के बाद वो आपके मोबाइल से डेटा चोरी करते हैं। अच्छा, ये अगर आप सोचते हो कि मेरे मोबाइल में कोई मलिशियस ऐप नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हर वक्त मलिशियस ऐप नहीं हो, अगर वो आपको नहीं दिख रहा है तो। ऐसे भी ऐप्स होते हैं, प्लीज माइंड माई वर्ड्स, ऐसे भी ऐप्स होते हैं जिनके आइकॉन्स नहीं होते, वो बिना आइकॉन्स के आपके फोन में रहते हैं और आपको पता नहीं चलता है, आपको ना उसके इंस्टॉलेशन का पता चलेगा ना वो दिखाई देगा, और आप अपने बैंकिंग, अपने पेटीएम, अपने मैसेजिंग सब कुछ आप करते रहेंगे और वो आपके डाटा की चोरी करता रहेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी हम में से, हम इतने लोग बैठे हैं, करीब 100 लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से, इसमें से ऐसा एक भी आदमी होगा जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हो कभी कि मेरा डेटा इतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, मैंने इतना डेटा यूज़ नहीं किया, लेकिन ये डाटा आखिर गया कहाँ, मेरा डेटा ख़त्म कैसे हो गया? आजकल हमें रोज 1 GB, 2 GB, 3 GB, 1.5 GB ऐसे डेटा मिलते हैं मोबाइल कंपनीज के थ्रू, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने तो डेटा यूज किया नहीं, आज तो मैंने सिर्फ एक ये यहाँ पे क्लिक किया, एक वहां पे क्लिक किया और वहां पे क्लिक किया, और ये कह रहा है आपका 50% डेटा खत्म हो गया। वो खत्म हुआ कैसे? वो खत्म ऐसे हुआ कि जो अंदर आपके एप्स बैठे हैं छुप के, वो आपके डिवाइस से अपने सर्वर पे कुछ ना कुछ डेटा चोरी करके लेके जा रहे हैं, और वो आपके मोबाइल के इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तभी वो ऊपर जा रहा है डेटा लेके। ये वही है, ये दे कीप सेंडिंग डेटा टू देयर सर्वर इनविजिबली। अच्छा, अब लीगल ऐप्स की चोरी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी देखा एक ऐप है मेरे पास, मेक माई ट्रिप, अगर आपके पास हो वो ऐप तो आप जाके चेक करें उस ऐप को कि वो कितने तरह की परमिशंस वो आपसे मांग रहा है, और क्या वो परमिशंस लॉजिकल हैं, क्या उसको वो हर परमिशन जो मांग रहा है उसकी ज़रूरत है उसको। मैंने देखा दिस ऐप, दिस मेक माई ट्रिप अलोन डिमांड्स 15 डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस फ्रॉम यू, ये 15 अलग तरह की परमिशंस आपसे मांगता है। अब वो उसका करते क्या है, ये जो लीगल एप्स होते हैं ये भी आपके डेटा की चोरी करते हैं, लेकिन इसकी एक खास बात होती है, ये आपके डेटा की चोरी आपके परमिशन के साथ करते हैं, ये चोरी छुपा के नहीं करते, ये डेटा की चोरी आपके परमिशन के साथ करते हैं।
अब डिफरेंस क्या होता है मलिशियस ऐप और लीगल ऐप्स में? वो लीगल ऐप्स आपके सामने से आते हैं, वो आपसे परमिशन मांगते हैं, इंस्टॉल होते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते क्लियरली वो आपका क्या और कितना डेटा लेके जा रहे हैं। प्लीज माइंड इट, वो आपका क्या और कितना डेटा लेके जा रहे हैं ये आपको कभी पता नहीं चलता। और वो ऐसा मगर और वो अपने सर्वर पे डेटा बैकग्राउंड में भेजते हैं, लेकिन ऐसा वो ये सब होता क्यों है, क्या जरूरत है? अगर तो मेरे बैंक का या पेटीएम का किसी को पासवर्ड का पता लग जाए तब तो वो पैसे की चोरी कर ले और सब कुछ कर ले, अदरवाइज मेरा लोकेशन के रिकॉर्ड या ऐसे चीजों को ट्रैक करने से किसी को क्या मिलेगा? आप आजकल देखते होंगे वेबसाइट पे भी आप विजिट करेंगे तो वो भी आपसे लोकेशन प्रॉम्प्ट करता है कि आप प्लीज अपने लोकेशन बताइए, और वो आप क्लिक करते हैं आपकी लोकेशन लेके जाता है। लोकेशन डेटा और जो भी डेटा लीगल एप्स आपके पास से लेके जाते हैं वो इससे अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं। यहाँ भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास आपका लोकेशन का डेटा है पिछले 5 साल का, कि आप 5 साल में कहाँ कहाँ गए, एंड ट्रस्ट मी आप जितने डिटेल्ड में इनके पास आपके लोकेशन का डेटा होता है, कुछ लोगों को आप पता होगा कुछ लोगों को पता नहीं होगा, इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन हर पॉइंट पे कि हम किस पॉइंट पे कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे रहे हैं, ये डेटा भी होता है। मैं आपको थोड़ी देर बाद वो दिखाऊंगा। जो लीगल एप्स होते हैं वो स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं। सपोज आप आपका 5 साल का डेटा किसी लीगल ऐप के पास है, और वो 5 साल में आप किस समय पे कहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं, इससे वो आपके टूर को प्लान कर सकते हैं। जैसे आप आपका एक इंटेंट है कि आप जून में या छुट्टियों के टाइम पे जून में या जुलाई में या मई में आप कहीं शिमला की प्लानिंग करते हैं, देहरादून तो खैर आप पहले से रह रहे हैं, कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं, कश्मीर जाने की प्लानिंग करते हैं, गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं, और हर साल आप कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं जून के टाइम। अब ऐसा डेटा अगर मेक माई ट्रिप के पास हो या ऐसे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास हो, वो क्या कर सकता है आपके लिए ऑटोमेटिकली कस्टम टूर पैकेज बना के आपको प्रॉम्प्ट कर सकता है एज एन एडवर्टीजमेंट, कि आपको एडवर्टीजमेंट मिलने शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आपको ऐसा कई बार महसूस हुआ होगा कि जिस वक्त आई एम नॉट श्योर कि आपको ऐसा हुआ, कभी आप ध्यान दीजिएगा आगे से या पहले उसको आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे आपने उसको किसी इंटरनेट पे सर्च किया है या नहीं किया है, वो आपको एडवर्टीजमेंट में आता है। वो कैसे दिखता है इनको, वो कैसे देख पाते हैं, या इनको कैसे पता चलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है? और आपको ये फीलिंग भी नहीं आएगी, आप उसके लिंक पे क्लिक करेंगे और जाके वो सामान खरीदेंगे या उस टूर पैकेज को खरीदेंगे या वैसे कोई भी सर्विस को आप अवेल करेंगे जिसके लिए वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और उसकी आपको ज़रूरत है। तो ये सब कैसे होता है? जो लीगल एप्स चोरी करते हैं डेटा की, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है माइक्रोफोन। जो आपके माइक्रोफोन की परमिशन वो लेते हैं, आप में से अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो मैं आपको बताऊं, माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टीजमेंट को ड्रॉ करने के लिए। कैसे? जब आपका फोन, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, आप फोन बात कर रहे हैं वो लॉग स्टेट में हो, अच्छा मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आपका फोन जब लॉक्ड होता है उस टाइम भी जो एप्स होती हैं अगर आपने उसको परमिशन दिया हुआ है तो वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम दो फ्रेंड्स हैं, फिर तो मैं उसी कंटेक्स्ट में आता हूँ वापस कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, हमें गोवा चलना है गोवा चलना है गोवा चलना है, 10 बार आपने गोवा बोला, अब ऐसे नहीं है कि कोई आदमी बैठ के आपके माइक्रोफोन की आवाज़ सुन रहा है, ये उनका एआई चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने सुना जरूर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपने जरूर सुना होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपके गोवा और आपके जो पैटर्न है बोलने का उसको एनालाइज करके ये डिराइव करता है कि आपको गोवा जाने की प्लानिंग है। अब वो गोवा के ट्रिप्स आपको दिखाएगा, या आप कुछ खाना चाह रहे हैं, या आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, या आप कुछ सर्विस लेना चाह रहे हैं। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं जो वो डिसाइड करते हैं थ्रू देयर डेटाबेस। वो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, एक पूरे पूरे रीजन का भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब सपोज एक रीजन में दशहरा ज्यादा अगर मनाया जाता है, वहां पे दशहरा मनाया जाता है, उस वक्त दशहरा के लिए या दिवाली के लिए या किसी भी ऐसे फेस्टिवल के लिए जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मनाया जाता है, क्या क्या चीजें वहां बेची जा सकती हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो डेटा, आपके डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो डेटा एनालिसिस में जाता है और उसके हिसाब से वो कभी कभी आपको इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि आप ऐसे करिए। अगर आपको सपोज किसी आपने अगर एक क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको बैट खरीदने की जरूरत है, आपने सोचा कि मुझे एक बैट चाहिए, आपको 10 तरह के बैट्स दिखने शुरू हो जाएंगे और उसमें बैट्स के कंपैरिजन दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये वाला बैट अच्छा है, ये वाला बैट खराब है, ये वाला क्रिकेट बैट एक बॉल अच्छा है, ये खराब है, आप जरूर सुनेंगे और उससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जो जिस तरह से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इसको भी, अब इसको बोलेंगे मलिशियस एप्स या बैड एप्स, जो हमारे फोन में चुपके घुस जाते हैं, जो लीगल एप्स नहीं है। तो हमें कई बार लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हमने तो हमेशा ही अच्छे से ब्राउज किया है चीजों को और क्या है, तो मेरे फोन में तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो आपको फिर से उसको एनालाइज करना चाहिए कि आपने क्या गलतियां की हैं या ऐसा क्या किया है कि आपके अंदर से डेटा वो जा रहा है। आप रिव्यू कर सकते हैं अपने फोन को, आपने क्या करना चाहिए। आपको जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करना हो तो आपको ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करना चाहिए उसको। ऑफिशियल ऐप स्टोर्स हैं आज के डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मेरे ख्याल से एंड्रॉयड और एप्पल दो फोन ही है, तो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर या एप्पल का ऐप स्टोर। आप ये कोशिश करें कि जो भी ऐप आप यूज करते हैं वह या तो वहां से डाउनलोड करें। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे सारे ऐप्स अच्छे हैं, मगर आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके रिव्यूज को देखना, उसके डाउनलोड्स को देखना, लोगों की जो रिव्यूज होती हैं उसमें रेटिंग्स होती हैं, उन चीजों को देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर किसी ऐप का डाउनलोड 10 मिलियन 100 मिलियन है तो दे आर मोस्टली रिलायबल ऐप्स, क्योंकि वो चोरी तो करते हैं डेटा की, लेकिन वो जैसे मैंने बताया आपको लीगल ऐप्स की तरह चोरी करते हैं, वो फिर मलिशियस ऐप की तरह चोरी नहीं करते। लेकिन अगर आपने किसी लेस लेजिटिमेट सोर्स, अभी लेस लेजिटिमेट सोर्स क्या होता है, जहां से हम डाउनलोड करते हैं ऐप्स को या कुछ करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शेयर इट ऐप देखा होगा, शेयर इट ऐप पे क्या होता है, आप जब डेटा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो ये भी दिखाता है कि इसके पास ये 7 एक्स्ट्रा ऐप्स हैं, क्या आप चाहते हो, आप बोलते हो हाँ मुझे दे दो, अब वो आपको ट्रांसफर कर देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, हो रहा है, वो उसमें कुछ अपनी चीजें भी ऐड करके वो चोरी के लिए आपको दे सकता है। तो शेयर इट तो खैर अब बैन हो गया है। अच्छा, मैं बैन के बारे में भी एक बार बता दूं कि आप लोगों में से कोई भी आदमी अगर वो टिकटॉक को, शेयर इट को, कैम स्कैनर को, या ऐसे कोई भी यूसी ब्राउजर है, या ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है, आपको उसको इमिडिएटली अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको यूज करते रहेंगे, एक तो वो इलीगल ऐप्स हो गए अब इंडिया के अंदर, वो दे आर नॉट नो मोर वैलिड, तो अब वो वैलिड ऐप्स नहीं है, तो आप उसको इमिडिएटली अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि उसमें एक्चुअली थ्रेट है, गवर्नमेंट को नजर आया तभी उन्होंने उसको बैन किया है। तो ऐसे कम लेजिटिमेट सोर्स, मतलब कम विश्वसनीय सोर्स जहां से आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, आप कभी भूल के भी व्हाट्सएप से किसी ऐप को इंस्टॉल ना करें, ये बहुत ही फेटल हो सकता है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। व्हाट्सएप पे घूमने वाले ऐप्स जो होते हैं
यूजुअली मतलब 99% केसेस में वो मलिशियस एप्स ही होते हैं, और वहाँ पे क्लिक करके कुछ अगर आपको पता ना भी चले कई बार कि आप कुछ इंस्टॉल करते हैं, तब भी वो इंस्टॉल हो सकता है। किसी भी ऐसे लिंक पे, फालतू लिंक पे क्लिक करने की कोशिश मत करें। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप गोल्ड के बारे में, कि सिमिलर लुकिंग एप्स, तो जैसे आपके पास व्हाट्सएप है, अगर कहीं से गोल्ड व्हाट्सएप आ गया, वो क्या होगा उसमें, वो दिखने में व्हाट्सएप के जैसा ही लगेगा, लोगो वोगो सब वैसे ही रहेगा और चैटिंग भी वैसे ही दिखने में होगी, लेकिन वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली आपके। बट वो हमेशा आपका डेटा चुरा के ले जाएगा और आपको दिखेगा कि वो अच्छा और लेजिटिमेट सोर्स है, मतलब या फिर लेजिटिमेट ऐप है, लेकिन वो होते नहीं। हम और देखते हैं कि वो कैसे घुसते हैं वो हमारे पास। ओल्ड और नॉन अपडेटेड अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये क्या बला है और क्या तरीके हैं ऐसे मोबाइल ऐप्स के घुसने के हमारे उसमें, या फिर ऐसी किसी भी अच्छी सर्विस नहीं जो कि हमें हमारे डेटा को चुरा के ले आती है, वो है नॉन अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ क्या होती है कि जब आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि, परफेक्ट नहीं होता है। जब कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी छूट जाती हैं उनसे जो उसको डेवलप करने वाले होते हैं। लेकिन उसको उनको जैसे जैसे इन वल्नरेबिलिटीज का पता लगता रहता है, वो इन वल्नरेबिलिटीज को वो निकालते रहते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी आ गई, जैसे एंड्रॉयड में या एप्पल में, iOS में कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी, या विंडोज भी, हम इसको अभी के लिए हम विंडोज को भी ले लें, तो विंडोज को भी अगर हम लें, तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो उनसे गलती से रह गई है या उसको फिक्स करना है उनको, या अब हैकर्स ने उसका काट निकाल लिया कि कैसे उस ब्लॉकेज को वो तोड़ेंगे, तो उसको करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जब हैकर सब कुछ अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो कंपनी वाले भी ऑपरेटिंग सिस्टम में फिक्सेस करते हैं। फिक्सेस का मतलब है उसके अंदर उसको ठीक करना। ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपडेट करने के लिए आता है, आप इस बात से बिल्कुल नहीं डरें कि ये अपडेट करने में टाइम लगता है और क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत है, वो ज़रूरत इसलिए है आपको क्योंकि वो किसी न किसी सिक्योरिटी फ्लॉ को फिक्स कर रहा है, मतलब ठीक कर रहा है उसको। कोई उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिक्योरिटी फ्लॉ रह गया था, उसको वो ठीक करके उन्होंने आपके पास भेजा है कि भैया अब इसको इंस्टॉल कर लो, तो जो पिछली वल्नरेबिलिटी थी या पिछली जो प्रॉब्लम थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो अब उससे आप बच पाओगे। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करके रखिए, जितना भी आपको प्रोवाइडर्स देते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी है। फिशिंग ईमेल्स, मतलब ऐसे ईमेल्स जो सोशली क्राफ्टेड होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे जिससे आप फंस जाएंगे, ट्रैप में आएंगे, है ना। तो जैसे पैसे वाला मैंने बताया, गेम्स वाला बताया, अच्छा कई तो ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपको दावा करते हैं, दे गिव यू एक्सेस टू द मूवीज, लेटेस्ट मूवीज, वो बोला है बताएंगे आपको लेटेस्ट मूवीज, लेटेस्ट वेब सीरीज वो सब मिलेगी, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपको कभी कभी वो मिलता भी है। ये हर बार ये सिर्फ डेटा लेने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो एक ट्रैप ऐसे भी होता है कि वो कुछ मूवीज आपको देते भी हैं, या फिर जो सॉन्ग्स हैं या वेब सीरीज या गेम्स जो पैसे में मिल रहा होता है, वो आपको फ्री में अवेलेबल कराते हैं, लेकिन आप उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं पे जरूर कर रहे होते हैं पीछे से। तो आप ऐसे फिशिंग ईमेल से, मैसेजेस से, या कोई ऐसा ऐप हो जो आपको बोलता हो कि आपने इतनी लॉटरी जीत ली है, या आपने ये जीता है, गोल्ड जीता है, आपने 100 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, 10 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, सब झूठा है सब। कोई आपको 10 करोड़ रुपए फ्री में नहीं, 10,000 क्या, 10 रुपये भी आपको कोई फ्री में नहीं दे रहा है। 10 रुपये अगर कोई देगा, आपके पास से कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो 10 करोड़ वाली बात तो हमेशा झूठी। हालांकि गवर्नमेंट अब इसके पीछे है, और आप अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो पिछले 3-4 साल में, 5 सालों में, ऐसे ईमेल्स और ऐसे जो बाउंटी वाले चीजें होती थी, वो होने कम हो गई हैं कि आपने ये
प्रॉपर्टी जीत ली है, कोई आदमी मर रहा था उसने प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, आपके बैंक अकाउंट के नाम पे कर दी है, आप अपना बैंक अकाउंट और डिटेल्स भेजो, हम भेज देंगे आपको प्रॉपर्टी। क्यों भेज देगा कोई प्रॉपर्टी आपको, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी? लेकिन अब गवर्नमेंट उसके पीछे है, तो अब ऐसे मैसेजेस आने भी कम हो गए हैं। लेकिन आप 100 करोड़ की बात छोड़िए, आप 100 रुपये के पीछे भी मत जाइए, क्योंकि वो सब कुछ एक ट्रैप ही ट्रैप है। और इसके पीछे उनका क्या इंटेंशन होता है कि वो आपके मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ डाल दें, ऐसा मालवेयर, ऐसा कुछ भी जो आपका डेटा को चुरा के लेके जा रहा हो। आप लोगों को और क्या दिक्कत होती है, क्यों ये चीजें होती हैं और क्या नहीं करना चाहिए आपने? उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन सिक्योर वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करना। अब आप कहीं, अब आजकल तो फ्री फ्री वाईफाई और सब कुछ दुनिया में चलने लग गया। आप किसी कॉफी शॉप में जाइए, आप किसी किसी रेलवे स्टेशन पे जाइए, या कहीं भी जाएंगे, कहीं जगह पे आपको फ्री वाईफाई अवेलेबल होगा। आप जैसे आप वाईफाई ऑन करेंगे, इट विल प्रॉम्प्ट यू टू कनेक्ट दैट वाईफाई, मतलब वो आपको बोलेगा कि हाँ आप उससे, उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए। लेकिन आपको ऐसे फ्री वाले वाईफाई का इस्तेमाल करने से कभी लाभ नहीं होगा। आपको इमीडिएट नजर आएगा कि आपने कुछ कर तो लिया, लेकिन उससे, अगर जब तक ये बहुत ही जरूरी नहीं हो, फ्री वाईफाई का इस्तेमाल मत करिए। आप किसी सिक्योर्ड वाईफाई का, या आप ऐसे लोग जिनको जानते हैं और आप ये भी श्योर हैं कि उनके यहाँ आपके वाईफाई से कनेक्ट करने से आपका डेटा की चोरी नहीं हो सकती है, या सिर्फ अपने वाईफाई का या अपने मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल ही करें आप। फ्री के चक्कर में पड़ के आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जब आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास आपका पूरा नेटवर्क का एक्सेस होता है। मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा हूँ अब इसको, क्योंकि आई थिंक इट्स बीइंग लेंथेंड लिटिल बिट। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये गूगल मैप में हिस्ट्री का लोकेशन है। ये मेरा कुछ 2017 का एक डेटा है, जनवरी 12 का, कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। तो ये मेरा एक दिन का डाटा नहीं है। दे आर फॉलोइंग मी, दे आर ट्रैकिंग मी सिंस आई हैव अडॉप्टेड दैट एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम। मतलब मैंने जब से मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो तब से लेके आज तक मेरे हर पॉइंट को नेविगेट करते हैं, लोकेट करते हैं। और ये सिर्फ वो मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ भी कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैं इस जगह पे मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं पूरे दिन में, इस पूरे दिन में मैं कहाँ से कहाँ गया हूँ, कहाँ से, मतलब हर पॉइंट पे इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना। आप समझिए इस डेटा का कितना जबरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो ये मैं उस बात को रेफर कर रहा हूँ, जो लीगल एप्स हमारे डेटा को स्टोर करते हैं अपने पास, और उससे वो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं। अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक क्रिप्टो फोन नाम की चीज होती है, जो डेटा को इनक्रिप्ट करके रखती है, और दो, हालांकि ये बहुत ज्यादा आपके कंसर्न की चीज नहीं है, तो मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा कि दो डिफरेंट फोन्स, अगर क्रिप्टो फोन हो जिसपे डेटा पूरा इनक्रिप्टेड हो, तो वो आपस में बहुत सिक्योरली बात और कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल हैकिंग भी होती है डेटा की, और आपके रिकॉर्ड की, आपकी चीजों की। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपने मोबाइल फोन, अब आप समझते होंगे कि जब भी आपका कोई मोबाइल फोन में आप सिम लगाते हैं, वो किसी न किसी मोबाइल टावर को कनेक्ट करता है, तो आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते। आपने क्लिक, वो सिम इंसर्ट किया, उसने अपने आप वो अंदर से वो उसकी सर्विसेज चलती हैं, और वो किसी भी नियरेस्ट मोबाइल टावर नेटवर्क को वो कनेक्ट कर लेता है। ये हर बार का केस ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ये, लेकिन ये जो फिजिकल हैकिंग होती है, यूजुअली टारगेटेड हैकिंग होती है। जब कोई आपको हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो आपके घर के आसपास, आपके फिजिकल प्रेजेंस जहां पे है आपकी, उसके आप आसपास एक डिवाइस लगा सकता है, और वो डिवाइस अपने आप को इम्परसोनेट करता है, इमिटेट करता है एज ए मोबाइल टावर, कि वो आपका मोबाइल टावर है और वो आपके सिम से कनेक्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये आपके सिम के साथ वो टावर को भी कनेक्ट कर देता है। अब क्या होता है, जितना भी कम्युनिकेशन आपका इस मोबाइल फोन से आप कर रहे हैं, वो इस
फिजिकल हैकिंग डिवाइस के बीच तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमारा मोबाइल फोन हुआ जिसमें सिम लगा हुआ है, उसके बीच में क्या आ गया? फिजिकल हैकिंग डिवाइस आ गई, जिसने अपने आप को ऐसा दिखा रखा होता है कि वही मोबाइल का टावर है आपका नियरेस्ट टावर, सो दैट कि आपका सिम उससे कनेक्ट हो जाए। अब वो फर्दर आपके एक्चुअल टावर से कनेक्ट कर देता है, आपका एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता है और आपका डेटा भी हैक हो जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि जो हैकिंग है वो इनएविटेबल है, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो लीगल ऐप्स भी हैं जो आपके डेटा को हैक कर रहे हैं। अच्छा, एक डोमेन नेम स्पूफिंग होती है, वो क्या होती है कि मेरे सामने आपके स्क्रीन पे दो तरह के नाम दिख रहे हैं, ठीक है? एक में नाम है, पहला नाम है किसी बैंक की वेबसाइट का नाम लिया मैंने, बैंक ऑफ इंडिया https://bankofindia.com। दूसरी तरफ मैंने लिया है सिम, अगर मैं बोलूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, https://bankofindia.com। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था और ये विजिबली भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप इसको सपोज जैसे आप लोग अगर कहीं स्क्रीन रीडर का यूज करते हैं, तो स्क्रीन रीडर आप इन दोनों ही वेबसाइट्स को पढ़ के सुनाएगा, https://bankofindia.com। लेकिन ये दोनों एक वेबसाइट नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट वेबसाइट्स, और डोमेन नेम्स इस तरह से भी रजिस्टर होती हैं। ये क्या है, जो इसमें ओ लिखा है ना, बैंक ऑफ इंडिया में से जो ओ है ये ओ एस्पिनॉल है, मतलब ये किसी और लैंग्वेज का ओ है, जो कि इसमें ओ के ऊपर एक छोटा सा डैश लगता है, जो पढ़ने में सेम होता है, दिखने में थोड़ा सा अंतर होता है, और जिसको कि आप कई बार इग्नोर करेंगे। तो ये दिखाने का मेरा मतलब यही था कि ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाते हैं वो, जो स्पैमर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, हैरासर्स होते हैं, जो अपने आप को इम्पर्सोनेट करते हैं कि वो किसी ऑथेंटिक बैंक की वेबसाइट से हैं, मगर वो होते नहीं हैं। तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग स्क्रीन रीडर्स स्पेशली, क्योंकि पढ़ने में ये चीजें बिल्कुल सेम लगती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज, कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो जो मैंने पीछे इतना डराया आपको, मैंने डराया नहीं है, डराया तो इसलिए है ताकि आप इन चीजों से बच के रह सकें। ये बचना बहुत जरूरी है। आपके फोटोज, सारे फोटोज उठा के ले आते हैं, आपके सारे वीडियोज मोबाइल फोन के ले आते हैं, आपको कुछ नहीं पता लगता कभी भी। जैसा कि मैंने पहला बोला था कि ये इट्स इनएविटेबल, तो ये ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 100% अश्योर करे कि आप सिक्योर हैं किसी थ्रेट से। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इनकी प्रिकॉशंस लेने की और रेमेडीज की। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, मैं यहाँ पर से ABCD में बात करेंगे हम। पहले ए में हम दिख रहे हैं, पॉइंट ए हमारा है, सबसे पहले अपने डिवाइस को इनक्रिप्ट करिए। बाय डिफॉल्ट जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सब बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड ही आते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मोबाइल पुराना मोबाइल फोन एंड्रॉयड फोन या हो, आप उसमें चेक करिए इनक्रिप्शन कहाँ है, सर्च करिए सेटिंग्स में जाकर के, वहां पे अपने डिवाइस को इनक्रिप्ट करिए, टर्न ऑन द इनक्रिप्शन। तो इससे आपका फोन, ये इसका मतलब नहीं है कि आपके फोन में से डाटा नहीं चुरा जा सकता है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आपका डेटा को किसी USB से या किसी तरह से निकालने की कोशिश करें तो कोई नॉर्मल फोटोज वगैरह वो निकाल नहीं पाया, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड रखी होती है आपके यहाँ। दूसरा पॉइंट बी, अवॉइड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी एप्स और एप्स दैट ऑफर्स यू फ्री कैश और पेटीएम। ऐसे किसी भी ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना है जो आपको फ्री में कुछ देने की बात करे, कुछ फ्री नहीं आती दुनिया में, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, यू जस्ट डोंट नो वॉट यू आर पेइंग, आप क्या कॉस्ट दे रहे हैं आपको नहीं पता। आप उस 10 रुपये की चीज के बजाय आपको पता नहीं कितने रुपए का नुकसान होगा, आपको पता नहीं चलेगा। सो प्लीज अवॉइड, हमारा पॉइंट बी है अवॉइड इंस्टॉलिंग एनी अननेसेसरी ऐप, जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको इंस्टॉल मत करिए।
और इसके अलावा जो ऐसे एप्स जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको अनइंस्टॉल भी करिए, अपने मोबाइल फोन से हटा दीजिए उसको, और जब उसको जरूरत हो फिर से इंस्टॉल करिए। हमारे पास बहुत डेटा आता है फ्री में, 1 GB रोज होता है सबके पास। किसी भी ऐप को सिर्फ उनके ऑफिशियल ऐप स्टोर, मतलब एंड्रॉयड ऐप स्टोर या एप्पल स्टोर, एंड्रॉयड प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करिए, या किसी पर्टिकुलर केस केस में सिर्फ उनकी, जैसे बैंक की वेबसाइट है या कुछ ऐसा आपको करना है इंस्टॉल, तो सिर्फ उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट से जाके इंस्टॉल आप कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी अननोन सोर्स से या अपने व्हाट्सएप से तो कभी भी बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड्स। हम लोग बड़े फैंसी कीबोर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, बहुत लाइट जो दिखता है, फैंसी लाल पीला है, कलरफुल कीबोर्ड्स होते हैं ऐसे, वो उनको अवॉइड करिए। कीबोर्ड्स आपके बिल्कुल ही सिंपल, मैं आपको वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल का बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड इस्तेमाल करिए, या स्विफ्ट की है माइक्रोसॉफ्ट का वो इस्तेमाल करिए, या आपका जो डिफॉल्ट कीबोर्ड मिला है आपको वो इस्तेमाल करिए। आप इसके बजाय कोई भी कीबोर्ड जो अपने मोबाइल फोन में कीबोर्ड हम चेंज करते हैं वो आपके लिए फेटल होगा, क्योंकि वो आपके कीबोर्ड्स की एंट्री को लेके जाता है। मैं आप बताता हूँ आपको कि क्या थ्रेट है आपके पास। थ्रेट ये है आपके पास, ये हम अभी थ्रेट डी की बात कर रहे हैं, कीबोर्ड्स वाले, कि आप किसी कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं वो आपके हर एक स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करके अपने सर्वर पे पोस्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने या तो स्क्रीन रीडर्स के थ्रू या किसी के थ्रू आपने उस की एंट्री करी उसके अंदर, तो वो चुरा के ले जाता है। अगर आपने किसी बैंक की वेबसाइट खोली, लिखा आपने bankofbaroda.com, तो आप उसकी एंट्री करते हैं, क्लिक करते हैं, वो आपका चुरा के ले जाता है डाटा। तो बी अवेयर ऑफ दैट, नेवर नेवर यूज एनी थर्ड पार्टी कीबोर्ड अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर देते हैं आपको, डिफॉल्ट कीबोर्ड होता है या कुछ बेसिक जैसे गूगल कीबोर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट की है। हम अब पॉइंट ई की बात करेंगे। आप अपने पासवर्ड्स को बहुत ही केयरफुली सेट करा करिए, और जितना जो आपका पासवर्ड जितना लंबा और ऐसे उसमें वर्ड्स हो जिसमें कॉमन वर्ड्स नहीं हो, जैसे जो कॉमन पासवर्ड है हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7 8, आई लव इंडिया, इंडिया 1 2 3, इंडिया @1 2 3, ABCDE, तो इस तरह के पासवर्ड्स प्लीज यूज मत करिए। और कोई भी कॉमन ऐसे डिक्शनरी के टर्म्स हो जैसे इंडिया, कुछ भी उत्तराखंड या नेशनल, कुछ भी ऐसी चीजें का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि आप BKCTDN#, कैपिटल स्मॉल नंबर्स, ये कॉम्बिनेशंस का रखें और बड़ा रखें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इसको क्रैक करने की पॉसिबिलिटी किसी भी हैकर के लिए बहुत ही कम हो जाएगी। अच्छा, सेम पासवर्ड अलग अलग एप्स के लिए आप बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जब अगर किसी हैकर को एक एप्लीकेशन का पासवर्ड पता लगता है ना, वो डेफिनेटली ट्राई करता है डिफरेंट एप्स में आपकी सेम पासवर्ड को अटेम्प्ट करने का। तो एक ही पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट एप्स के लिए हम नहीं रखेंगे। आगे एफ पॉइंट है, अपने फोन का फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखिए। इससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा काम करने में, लेकिन अगर आपका डिवाइस गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कम से कम अपने डाटा को आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस डेटा को इरेज कर सकते हैं रिमोटली, मतलब अपने घर में बैठ के। आप चोरी हो गया है वो सिर्फ कनेक्टेड होना चाहिए, आप पूरे डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं वहाँ से, आपका डेटा सेफ रहेगा। कम से कम डिवाइस तो चोरी हो गया लेकिन डेटा आप सेव कर सकते हैं। आगे ऑलवेज यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहां भी पॉसिबल है, जैसे ये पॉइंट हम जी पॉइंट जी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जहां जहां भी पॉसिबल हो तो पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है दो पासवर्ड्स, मतलब एक तो पासवर्ड दूसरा ओटीपी। तो अब बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जैसे जीमेल है, फेसबुक है, ऐसे बहुत सारे एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप भी है, जो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलाउ करते हैं कि आप 2 बार उसके अंदर पासवर्ड डालें, जो सिक्योर ज्यादा होता है। ये एच पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऑलवेज इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी। हमेशा नए सिक्योरिटी अपडेट्स को
अपडेट करिए अपने मोबाइल फोन के अंदर। आई पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमेशा अपने एप्लीकेशन की परमिशंस को आप चेक करते रहिए कि कौन सा ऐप कौन कौन से परमिशंस को ले रहा है। अगर ज़रूरत नहीं है उसको परमिशन को बंद कर दीजिए, और जब आपको उस ऐप को यूज़ करना कंपलसरी हो सिर्फ उस टाइम के लिए उसका परमिशन ऐप का ऑन करिए, बाकी बंद कर दीजिए। हमेशा अपनी सर्विसेज को ब्लूटूथ को एनएफसी को वाईफाई को बंद करके रखिए जब भी आपको ज़रूरत इसकी नहीं हो। ये पॉइंट था जे पॉइंट। अब हम के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई को और पब्लिक फ़ोन चार्जिंग को भी अवॉइड करिए, क्योंकि आप जाके बाहर, अब पहले तो ऐसा होता था कि जो एनालॉग फोन्स होते थे हमारा, वो उसमें सिर्फ पावर के लिए वो जो हमारा केबल होती थी वो पावर के लिए होती थी। अब हमारा जो केबल होता है वो कॉमन होता है जो चार्जिंग का भी काम करता है और डेटा ट्रांसफर का भी काम करता है। तो आप किसी पब्लिक फ़ोन चार्जिंग में जाते हैं और वहाँ लगाते हैं, वो आपका डेटा उठा के लेके जाते हैं। तो पब्लिक फ़ोन चार्जिंग का इस्तेमाल और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कम करिए। ये पॉइंट के था हमारा। अब हम स्पेशली बात करेंगे पेमेंट्स जब हम कर रहे होते हैं मोबाइल फोन के थ्रू, तो हमें क्या एहतियात रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहला, जो पेमेंट की ऐप है मस्ट बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम ऑथेंटिक ऐप स्टोर, और वो या फिर वो बैंक की वेबसाइट से इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा, जब आप किसी ऐप को या किसी सर्विस सब्सक्रिप्शन को, कई बार कहना होता है ना कि आप पीरियोडिक डिडक्शंस का आपको अलाउ कर रहे होते हैं, जैसे बिल पेमेंट है या ऐसी कोई भी सर्विस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ट्रू कॉलर का। ट्रू कॉलर इज वन ऑफ दोज ऐप्स विच पीरियडिकली डिडक्ट्स अमाउंट अपॉन सब्सक्रिप्शन। मतलब कि जब जब भी आप ट्रू कॉलर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो वो अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा तो बाई डिफॉल्ट उसका एक चेक बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि हर एक हफ्ते में वो पैसे डिडक्ट करेगा, और ये कई बार आपके नज़र से हट जाता है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप उस ऐप को अपने बैंक से पीरियोडिक डिडक्शंस के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर आपके हर हफ्ते या हर महीने वो आपके पैसे वो ऑटोमेटिकली काटता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क से कभी भी भूल के, मतलब जो पैसे की ट्रांजेक्शन होती है ऑनलाइन, वो मत करिए। और किसी भी ऐप को परमिशन ग्रांट करने में ध्यान रखिए, और किसी भी ऐसे ईमेल्स का या मैसेज का जो आपको दिखता है कि बैंक ने भेजा है, उसको रिप्लाई मत करिए। बैंक्स आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता, वो आपको बोलता है आप खुद ही आओ हमारी वेबसाइट पे सर्च करो और अपना काम करो, वो आपको लिंक्स नहीं भेजता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी बैंक या पेमेंट सिस्टम की ईमेल्स को रिस्पॉन्ड मत करिए, कभी मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगे कि इस बैंक ने ऐसा बोला, आप उनके नेट बैंकिंग या बैंकिंग की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन रीडर्स को अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसके सिलेक्शन में आप बहुत ध्यान रखिए कि आप उसको कौन सा वो स्क्रीन रीडर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्क्रीन रीडर्स हैं जो आपके डेटा को चुरा के ले जाते हैं। आप रिव्यूज़ पता करिए, कितने रिव्यूज़ हैं उसके, कितने डाउनलोड्स हैं उसके, लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है, उसके रेटिंग्स देखिए। तो अच्छी रेटिंग्स, ज़्यादा डाउनलोड्स, ये चीज़ें जितना ज़्यादा होती हैं ये उसको ज़्यादा अच्छा बनाती है चीज़ों को। और स्क्रीन रीडर्स की परमिशंस को भी वाइजली चेक करिए कि आपके स्क्रीन रीडर्स ने वो क्या परमिशंस ले रखी हैं, जो जिसकी उसको ज़रूरत है वही दीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत दीजिए। अच्छा, लेकिन अब हम बात करते हैं, हम वी आर एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, तो हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, सिविल और पिनल लाइबिलिटीज़, कि अगर कोई आपका डेटा चुराता है तो आपके पास क्या मेथड है उसको उससे उसको कंप्लेन करने का, और उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है। तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो आपसे डेटा का एक्सेस करता है, उसके लिए इंडिया में आईटी एक्ट में सेक्शन 43 में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि वो उस
उसको किस तरह से डेटा को रखना है और आपके स्पेशली पर्सनल डेटा को किस तरह से उसको स्टोर करना है ताकि वो किसी गलत हाथ में ना जाए। तो उनके लिए उनकी लाइबिलिटीज भी फिक्स करी है, और उस डेटा को अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है ये भी सेट किया हुआ है। तो लॉज आर अवेलेबल, मतलब आपके पास लॉ अवेलेबल है जो इन चीजों को एड्रेस करता है, और अगर आप इसके विक्टिम हैं, अगर आपको लगता है आपको किसी की, किसी पर्टिकुलर आदमी की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी ऐप की कंप्लेन करनी है, तो आप साइबर क्राइम, मैं आपको एक एप्लीकेशन का, मैं एक गवर्नमेंट की वेबसाइट का एड्रेस बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ये https://cyber-crime, cybercrime.gov.in। ये एक ऐसी जगह है जहां पे जाके आप साइबर, आपके साथ घटने वाली साइबर क्राइम की कंप्लेन कर सकते हैं और इसको आप फॉलो अप भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली जाकर वहां पर उसको फॉलो अप करना है कि मेरा क्या हुआ, आप वहां से फॉलो अप भी कर पाएंगे और यहाँ आप कंप्लेन भी कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है बताना चाहिए। डिजिटल एविडेंस, अगर आप किसी, ये बहुत, ये चीज एक ऐसी चीज को एड्रेस कर रहा हूँ मैं जो विच इज नॉट वेरी कॉमन बट इट कैन हैपन विद यू। अगर किसी स्पैमर का कॉल आता है या कुछ ऐसे दुर्घटना आपके साथ होती है जिसका आपने किसी तरह से मोबाइल डिवाइस में रिकॉर्डिंग की है या वीडियो बनाया है या ऐसा कुछ भी किया है, तो क्या ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या आप उस एविडेंस को एज ए डिजिटल एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, या पुलिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, और क्या वो आपका वैलिड होगा कि नहीं। तो इसके लिए एक प्रिकॉशन है, वो हमेशा याद रखिएगा, जिस डिवाइस में उस एविडेंस को आपने ओरिजिनली स्टोर किया था, मतलब जिस डिवाइस में आपने रिकॉर्ड किया था या वीडियो बनाया था, वो डेटा उसी डिवाइस में रहना चाहिए। आपने ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी कॉपी बना के कंप्यूटर में डाल लो और आप बोलो कि यही एविडेंस है और वो सही है, तो ये कोर्ट हर बार इसको सही नहीं मान सकती। बल्कि जो आपके ओरिजिनल डिवाइस में रिकॉर्डेड डेटा भी होगा या लॉग्स होंगे, कॉल लॉग्स होंगे, जो भी चीज़ है जो आपको एज एविडेंस प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, आप उसको ओरिजिनल फोन में रखें और उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, मतलब उसको माना जाएगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी डेटा को आप कहीं स्टोर कर रहे हैं और कहीं क्रिएट कर रहे हैं, दो अलग जगह पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एविडेंस माना जाए। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। और आज के सेशन में इतना ही है, अगर कुछ इन डेप्थ एनालिसिस या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं फिर कभी देखेंगे इस बात को, और मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा डॉक्टर हिमांशु दास जी का, डायरेक्टर साहब का, और डॉक्टर पंकज जी का, और मिस्टर राजेंद्र जी का, हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस वेरी यू नो हॉट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी, आई टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड सर दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़े सभी व्यक्तियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और जिसमें से मुझे एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि हम कहीं भी जाते हैं और ऐसे ही चार्जिंग कर लेते हैं, हमें नहीं पता था कि चार्जिंग में भी डेटा चोरी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन को जो कि NIEPVD से ही हैं, श्री राजेंद्र नेगी जी। तो नेगी जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नेगी जी NIEPVD में 2012 से कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने NAB यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में काम किया है, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कार्य किया है। वर्तमान में ट्रेनिंग सेंटर फॉर द अडल्ट ब्लाइंड डिपार्टमेंट में दृष्टि दिव्यांगजन को कंप्यूटर और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। चूंकि नेगी जी दृष्टि दिव्यांगजन को ही ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे इस विषय में बात करना काफी जानकारी भरा होगा कि वे किस प्रकार से दृष्टि दिव्यांगजन को टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो नेगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए हमें कि किस प्रकार से आप ट्रेनिंग देते हैं हमारे दृष्टि दिव्यांगजनों को
और किन किन दिक्कतों का आपको उनके विषय में बताने में सामना करना पड़ता है जिससे कि वो क्राइम से इससे बच सकें। जी नेगी जी थैंक यू मैडम, थैंक यू पंकज सर, डायरेक्टर सर, जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखा जाए तो साइबर क्राइम के सारे एस्पेक्ट्स आमिर सर ने कवर कर लिया है और काफी अच्छी जानकारी दी है और काफी बारीक, इंक्लूसिव समाज का ही एक पार्ट है, तो वो सारे जो प्रॉब्लम है वो विजुअली इम्पेयर के साथ भी होते हैं। मैं केवल विजुअली इम्पेयर के दृष्टिकोण से और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से बताऊंगा थोड़ा सा, बाकी सब कुछ तो कवर हो चुका है। जो क्योंकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो साइटेड साइटेड पर्सन भी हैं और हो सकते हैं कि कई लोग जो है विजुअली इम्पेयर्ड हैं लेकिन उतना अवेयर ना हो टेक्नोलॉजी से। तो आज जो सबसे पहले मैं आता हूँ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पर, जैसा कि अमित सर ने भी कहा कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आप डिफॉल्ट स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का ही ज्यादातर इस्तेमाल करें या ऐसे जगह से लिए जो कि ट्रस्टेड हो, क्योंकि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे फोन को पूरी तरह से कैप्चर करता है, तभी तो आपके पूरे इंफॉर्मेशन देता है, जहां भी आप प्रेस करते हो वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें आता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है एंड्रॉयड बेस्ड, ये अगर मैं इसमें जहां भी आवाज थोड़ा बहुत आ रही होगी जो भी माइक से, तो वो जहां भी मैं प्रेस करूंगा जहां भी मैं टच करूंगा वहां वो टॉक करके सुना देगा, हमें बता के सुनाएगा, या हम स्वैप करेंगे तब भी हमें सुना देता है। तो अब इसमें ये भी है कि जहां भी हम किसी भी परिस्थिति में हम अगर मान लीजिए कोई ऐप को सिलेक्ट करते हैं, एक बार टच करते हैं, उसके बाद हम मोबाइल में कहीं भी टच कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो चीज एक्टिवेट हो जाएगा, वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अच्छा अच्छा तो है हमारे लिए, लेकिन क्या होता है कई बार विजुअली इम्पेयर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आते हैं और कई बार हम खुद क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम, जैसा परमिशन लेना। अब परमिशन हम खुद देते हैं तो एक तरह से लीगल वे से हो गया, भाई डेटा हमारा उन्होंने चोरी नहीं किया बल्कि आपने परमिशन दी और वो आराम से फिर डेटा का एक्सेस कर रहा है और फिर उस डेटा का किसी भी तरह से यूज कर रहा है, तो परमिशन हम दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं विजुअल इम्पेयर के साथ कई प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए परमिशन मांग रहा है उस समय वो एक्सेसिबल नहीं है, तो एक्सेसिबल अगर नहीं है तो क्या होगा, आप उसको किसी भी हालत में स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। साइटेड क्या करते हैं, मान लीजिए कोई स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं तो वो ऑप्शन में ऑप्शन को अगर टिक करेंगे या ऑप्शन में अगर फिंगर से टैप करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा, लेकिन हमारे केस में यह है विजुअली इंपेयर्ड के केस में यह होता है कि आप कहीं भी स्क्रीन में और वो ऑप्शन में आ गया है, अगर ऑप्शन हाईलाइटेड है आप स्क्रीन में कहीं भी आप डबल टैप कर दीजिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कभी भी अगर एक्सेसिबल नहीं है या आपने नहीं सुना तो आप वहां पर डबल टैप स्क्रीन पे मत कीजिए। जी, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी बताइए। और मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसा कि आपने साइबर क्राइम के विषय में बताया, तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे गूगल पे या फोन पे हुआ, तो इसमें भी कोई इश्यूज आ सकते हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम यूज करते हैं स्क्रीन रीडर के साथ में? जी बिल्कुल आ सकता है। देखिए आपका जो गूगल पे का पासवर्ड है, ठीक है, या ओटीपी आता है, या किसी भी बैंक का या पेटीएम का पासवर्ड यूज करते हैं, तो कौन सा ऐप, आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये आप एक्सपीरियंस से या चीज़ों से सीख सकते हैं कि आपको कौन सा ऐप ऐसा है जो आप परमिशन देखिए पहले, कौन सा ऐप आपके टेक्स्ट की परमिशन ले रहा है, कौन सा ऐप आपके कौन कौन सी चीज़ों की परमिशन ले रहा है, ऐसा कोई भी ऐप हो जो आपको लगता है आप उसका इस्तेमाल नहीं करते या उस ऐप को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि वो वहाँ बैठ के सिर्फ आपकी डाटा की चोरी कर रहा है, ठीक है ना। तो आप सपोज कि आपका एक बैंक अकाउंट है और आपका एक मोबाइल फोन है, अगर उसने आपका पासवर्ड नहीं लिया, वो कम से कम इतना तो पता कर ही सकता है कि ये मोबाइल नंबर से कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो एक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों की जानकारी ले सकता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेंगी। तो जी मेरा कहने का, आपको पूरे सेशन में जो सम अप हम करें इसको, तो इसको इसका मतलब यही है कि आप ऐप को जो परमिशन देते हैं या ऐप को इंस्टॉलेशन करते हैं,
आप चार तरह के सॉफ्टवेयर्स को एक ही चीज की मत रखिए, और उन सॉफ्टवेयर्स को भी, अब तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर वेरी एडवांस, अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ अपने आप को बचा सकते हैं, कि आप उनके परमिशंस को ब्लॉक करके या उनको आप ऐसे यूज करिए कि जिस टाइम आपको, देखिए ऐप परमिशन में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपको किस टाइम के वो परमिशन आपको इस्तेमाल करना है, तो आप उसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि यूज दैट परमिशन ओनली वाइल एक्सेसिंग द ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय आप उस ऐप को एक्सेस कर रहे हैं तभी वो आपका SMS या कॉल लॉग या जो भी रिकॉर्ड्स है वो देख सके, अदरवाइज वो ना देख सके, तो इससे आप काफी सेफ रह सके। जी अच्छा, तो मतलब गूगल पे और फोन पे मतलब पूर्णतः सिक्योर है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गूगल के पास आपके पास आपका डाटा जा रहा है, कैसे सिक्योर हो सकता है वो? जी, तो हमको मतलब जितने भी दृष्टिबाधित लोग हैं इसको, इसका उपयोग बहुत से कम करना चाहिए। हाँ, देखिए जितना नहीं करिए, बेशक इस्तेमाल करिए, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करिए। चीजों को बंद करने से चीजों का खत्म नहीं होता, ठीक है ना, चीजें खत्म नहीं होती, खत्म नहीं कर सकते। इसको हम वाइजली इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, केयरफुली, तो हम कई चीजों से बच सकते हैं। गूगल के पास सिर्फ अगर डेटा रहता है ना आपका, तो बहुत डेंजरस नहीं है, क्योंकि आपके डेटा से वो चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी बहुत बड़ी है, वो इस तरह से मैनेज करते हैं चीजों को कि वो इतना वो ध्यान रखते हैं इन चीजों का, ठीक है ना। जी, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे कभी अकाउंट बनवा लिया और हमको लग रहा है कि ये चीज सिक्योर नहीं है, तो हम उससे लॉग आउट होकर हमारे डाटा को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। लॉग आउट करना डेटा को बचाना नहीं है, क्योंकि उस ऐप को अनइंस्टॉल करना ही डेटा को बचाना है। अगर आपको किसी फेसबुक से या आपको इंस्टाग्राम से या किसी भी ऐसी चीज से आपको हार्म लगता है, उससे लॉग आउट मत करिए, क्योंकि लॉग आउट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने कंप्यूटर से या अपने एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन। अनइंस्टॉल कर देंगे तो डाटा की चोरी रुक जाएगी? रुक जाएगी, बिल्कुल रुकेगी। सर हाउ टू रिकॉग्नाइज सर ईमेल फिशिंग ईमेल सर, बिकॉज के जनरली फिशिंग ईमेल वी कांट एबल टू रिकॉग्नाइज सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट ईमेल कि दैट्स फिशिंग और नॉट? राइट राइट, आई गॉट योर पॉइंट। यस सर, यू आर लुकिंग एट एनी ईमेल यस सर हैज नॉट कम फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, लाइक इफ समबडी हु नोज यू और यू नो हिम हैज सेंड यू एन ईमेल, then only you recognize that as a trusted email, right? अगर वो ऐसी कोई भी चीज की डिमांड कर रहा है वो ईमेल, जैसे आप उसमें एक फॉर्म भर दीजिए, ऐसे किसी भी ईमेल को जिसकी आपको जरूरत नहीं हो स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपको, आप इंटेंडेड है उसके लिए, तभी आप उसका इस्तेमाल करिए। ईमेल किसी भी जंक ईमेल का, फालतू ईमेल का, ऐसे भी आए हुए ईमेल को आप चेक भी मत करिए, आप उसको सीधा डिलीट करिए। चेक करने की भी क्या जरूरत है, अगर किसी ने आपको बोला हुआ है ₹50 आ रहे हैं आपके पास, या एक फॉर्म भर दो, या आपके 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 यहाँ से ये हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आपको इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं, आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता होता है कि आपके इंस्टीट्यूट से आपको ईमेल आएगा, आपके कलीग के पास से आएगा, आपके फ्रेंड्स के पास से आएगा, आपके एजुकेशन के सिस्टम के पास से आएगा, कहाँ से आएगा आपको पता होता है, और उसमें भी आप केयरफुल रहें। कई बार सपोज आपके पास एक रिजल्ट आना है, सपोज आपके पास कोई स्टडी मटेरियल आना है, कोई ऑडियो आना, ऑडियो फाइल आनी है, कोई कुछ भी आना है, तो आप उतने अपने लिमिट तक लिमिटेड रहें, उसको उसके बियॉन्ड मत जाएं, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी चीज जो आपको ल्योरिंग लालची दिखाई दे रहा हो वो 100% फिशिंग ईमेल है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या गूगल पे फिर यूज करना मोबाइल पे सही है विजुअली चैलेंज्ड के लिए या नहीं? बिल्कुल है मैम, बिल्कुल सही है। गूगल पे को इस्तेमाल करके आपके पास कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन गूगल पे के साथ अगर आपने ऐसा कोई ऐप रखा हुआ है जो आपके डेटा की चोरी कर सकता है, तब आपको थ्रेट है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने फोन में गूगल पे के द्वारा, तो आप उसको करने से पहले बाकी ऐप की परमिशंस को या ऐसे ऐप को जो आपको जरूरत नहीं है उसको हटा दीजिए, क्योंकि गूगल पे इटसेल्फ इज नॉट ए थ्रेट।
सर आपने एक कुछ ऑन रखने के लिए कुछ बताया था ताकि जब हमारा फोन चोरी हो जाए तब भी हम उसको अपने डेटा को एक्सेस कर सके, तो सर आप वो बताएंगे दोबारा? आपके फोन में एक ऑप्शन होता है फाइंड माय डिवाइस, आप उसको नोट कर लें, फाइंड माय डिवाइस, फाइंड माय डिवाइस जी सेटिंग्स में मिलेगा आपको। इससे क्या होता है मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड माई डिवाइस आपके डेटा का एक्सेस आपको नहीं देता, ये आपको आपके डेटा को वाइप करने की, मतलब उसको डिलीट करने की, इरेज करने की अथॉरिटी देता है। मान लीजिए आपने अपने फोन में एक लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, आपका फिंगरप्रिंट से लॉक है या आपके पैटर्न का लॉक है या आपके नंबर का लॉक है, किसी भी तरह का लॉक है, और आपका वो फोन चोरी हो गया या गुम हो गया, आपने कहीं छोड़ दिया, आपको याद नहीं कहाँ फोन रह गया, आपका डाटा कोई इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे गूगल का है या एप्पल का है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां लिखिए फाइंड माय डिवाइस, अपना जीमेल पे या गूगल अकाउंट पे लॉगिन करके वो सेक्टर में आप पहुंच जाएंगे और आपको आपके फोन की रिकॉर्ड आ जाएगा वहां पे कि आपने कौन कौन सा फोन उस ईमेल आईडी पे रजिस्टर किया हुआ। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप फाइंड माई डिवाइस को इस्तेमाल करें तो उस ईमेल आईडी का से ही एक्सेस करें गूगल को या एप्पल को, जिस ईमेल आईडी से आपने अपने फोन को सेटअप किया है, तो आपको उस फोन के पूरे डेटा को वाइप करने की, मतलब इरेज करने की फैसिलिटी वहां मिल जाएगी, आप वहां से पूरे डेटा को इरेज कर सकेंगे। तो इसका फायदा आपको यह होगा कि आपका डेटा किसी गलत हाथ में नहीं जाएगा, या ऐसी कोई फोटो हो, ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसा कोई टेक्स्ट हो, ऐसा कोई मैसेज हो जो आपको लगता है बहुत रिस्की है किसी के हाथ जाना, तो वो आपसे बच जाएगा। जी आगे। हेलो सर, क्वेश्चन। या प्लीज गो ऑन। जी सर, जो जनरली हम जो शॉपिंग एप्स यूज करते हैं जैसे कि Amazon, Flipkart, तो वो ऐप को यूज करने के बजाय हम डायरेक्टली उसके वेबसाइट पर ही शॉपिंग करें, वो ज्यादा सेफ है या वो ऐप का इस्तेमाल करके करें वो ज्यादा सेफ है? किसी भी शॉपिंग वेबसाइट का ऐप और वेबसाइट दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ और मैं डेवलपमेंट भी करता हूँ। एक ही सर्विस होती है जो मोबाइल फोन पे और आपके वेबसाइट पे यूज होती है, जिसके थ्रू वो आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं और आपको प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जो पीछे का सिस्टम चल रहा होता है ना, जो प्रोग्रामिंग का सिस्टम है, वो दोनों में सेम होता है। तो आप या उनके फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या उनके ऐप को एक्सेस करते हैं, दोनों में अगर थ्रेट है तो बराबर है, अगर नहीं है तो दोनों में से किसी में भी नहीं है। तो दोनों में से किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, आप फ्लॉलेसली बिना प्रॉब्लम के जो आप चल रहा हो आपके मोबाइल में, ज़्यादा कन्वीनियंटली आप उसका इस्तेमाल करिए, कोई डिफरेंस नहीं है। सर मैं अब्बास बॉम्बे से। जी अब्बास जी, जी सर मुझे ये पूछना था, मैंने एक समय सुना था कि जो कोई भी जगह पे हम लोग अगर कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो उनका चेंजिंग रूम वगैरह होता है, वहाँ पे लोग सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा के रखते हैं। तो मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था कि अगर ऐसी कोई जगह पे अगर तुम लोग जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारा मोबाइल निकाल करके कोई भी नंबर डायल करो, अगर वो नंबर नहीं लग रहा है, मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो समझ जाने का कि अपने को वहाँ पर सीसीटीवी या कुछ लगाया हुआ है। अपने को थोड़ा ये रहने का, मतलब अपने को थोड़ा सावधान हो जाने का, तो सर ऐसे पता चल सकेगा अगर कहाँ पर हम लोग जाते हैं तो? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ। क्योंकि आप समझिए, आपके अगर कैंपस में, स्कूल के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में, आपके घर में या कहीं आस पड़ोस में कैमरा लगा हुआ हो, ठीक है, या आपके लैपटॉप में या फोन में, या फिर सॉरी फोन की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें वेबकैम लगा हो, क्या आप उसके पास बैठ के जब फोन डायल करते हैं आपका फोन कनेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। कोई सीसीटीवी कैमरा या वेब कैमरा, देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई जो इस तरह के काम होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा से ही किया जाता है, वो वेब कैमरा से भी किया जा सकता है, किसी भी तरह के कैमरा से, बल्कि उसके लिए स्पेशली कैमराज भी आते हैं। तो आप सिर्फ इतना करके कि आप उससे चेक कर लें कि आपका कॉल नहीं जा रहा है, कॉल नहीं जाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है या किसी नेटवर्क को मैनुअली जैम किया गया हो,
और दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है। आप उसको फिजिकली इंश्योर करिए कि वहाँ पे कैमरा नहीं है, ये आपके लिए सेफ है। हेलो सर जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फेसबुक से भी डेटा लीक होने का डर रहता है, हम फेसबुक जैसे ऐप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा मतलब डेटा जो है वो लीक ना हो? देखिए, जब फेसबुक खुद ही डेटा को लीक करता है तो आप कैसे बचाएंगे उसको? ये बचाना, आपके डेटा को बचाना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, आप एक काम कर सकते हैं, मगर ऐप परमिशन में जाइए, फेसबुक को दिए हुए सारे परमिशन को अनचेक कर दीजिए, ठीक है। आपका आप देखेंगे ना, जब आप मोबाइल फोन में सेटिंग्स में जाएंगे, ऐप परमिशन में जाएंगे, तो ऐप परमिशन फेसबुक को खोलिए और उसको देखिए कि कौन कौन सी परमिशंस को वो एक्सेस करने की डिमांड कर रहा है, आप उसके परमिशंस को बंद कर दीजिए, ठीक है। जितना चलता है उतना इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आपको कोई ऐसा मोमेंट आता है जब आपको उसमें फोटो खींचनी है फेसबुक के थ्रू, ऐप के थ्रू, या कुछ अपलोड करना है, तो उस टाइम वो फिर से प्रॉम्प्ट करेगा आपको कि मुझे ये वाला परमिशन चाहिए, तो आप उसको उस टाइम के लिए परमिशन दे दीजिए, ठीक है। और उसको वापस जब आपका काम खत्म हो जाएगा आप उसको बंद कर दीजिए वापस, तो इस तरह से आप सेफ रखते हैं। जो एंड्रॉइड 11 है उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है कि आप तो जो ऐप यूज करोगे वो परमिशन लेगा, वरना फिर वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हम परमिशन के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई याद ही नहीं रहता आजकल, ना इतना कोई ध्यान देता है। आवाज आ ही नहीं रहा। नहीं, आपको यही केयरफुल रहना है थोड़ा। देखिए, बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि उस ऐप के लिए परमिशन आपके आइडल स्टेट में भी पड़ा हो, मतलब जब वो आपका फोन आइडल है उस टाइम, या वो ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसको सेट कर सकते हैं, बट वो अदरवाइज हर टाइम आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यू विल हैव टू बी केयरफुल। सी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, ठीक है ना। आप किसी ऐप के ऊपर डिपेंडेंट होकर सिर्फ नहीं चल सकते कि वो आपकी आपको सेव कर दे, आप अपना सुरक्षा खुद करिए। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार जी, बताइए। सर, मेरा नाम है बलबीर सिंह रावत, देहरादून से। जी सर, जैसा कि आपने कहा सर गूगल पे सर थोड़ा सिक्योर है, लेकिन सर जैसे फोन पे है या पेटीएम है सर सिक्योर है, मतलब निस्बत गूगल पे के? नहीं नहीं, बिल्कुल सिक्योर है। पेटीएम और फोन पे भी इक्वली सिक्योर है। अगर ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी आती है वो अपडेट करते हैं। देखिए, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जो ट्रांजैक्शन, पैसे की ट्रांजैक्शन वाला कोई भी एप्लीकेशन है उसको आप ज़रूर से ज़रूर अपडेट करिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी ने, जिसने गूगल पे बनाया है या जिसने पेटीएम बनाया है, फ़ोनपे बनाया है, तो एक टाइम पर उनको ये पता लगा कि इसमें एक छोटी सी कमी रह गई थी, जिसके वजह से उनका उनमें एक छोटा सा फ्लॉ है जो हैकर्स घुस के उसमें से डेटा निकाल सकते हैं या चोरी कर सकते हैं पैसों की। तो आप मतलब वो क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, ठीक करके आपके पास वो भेजते हैं। वही अपडेट होता ही वही है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करके आपके पास भेजते हैं। तो उस टाइम पे आपको अपने ऐप को अपडेट करना ही सबसे वाइज और अच्छा ऑप्शन है। तो आप अपडेट रखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप यू आर सेफ। अदरवाइज क्रिप्टो फोन आपके और मेरे जैसे लोगों के यूजुअली रीच में नहीं होता है। क्रिप्टो फोन एक इनक्रिप्टेड डिवाइस होता है जो हाँ, दो अगर दो क्रिप्टो फोन्स हो, दो इनक्रिप्टेड, टोटली इनक्रिप्टेड फोन हो, इसमें इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने उस पर ए लिखा, ठीक है, सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो ए को वो 18 डिजिट में वो कन्वर्ट कर देगा। आपने अगर एक पूरा एसए भी डाल दिया उसको, वो सिर्फ 18 डिजिट में कन्वर्ट करेगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और उसकी उसकी सिक्योरिटी को वो इंश्योर करेगा कि वो किसी और को एक्सेसिबल ना हो। तो उस फोन में दो तरह के जो क्रिप्टो फोन होते हैं वो आपस में सिक्योर रह सकते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ क्रिप्टो फोन हो और दूसरी तरफ नॉर्मल फोन हो तो आप उसको सिक्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार जब क्रिप्टो फोन से इनक्रिप्टेड डेटा निकल करके अब नॉर्मल फोन पे आ गया तो फिर तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। लेट्स नॉट गो फॉर दैट, यू नो, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव डिवाइसेस, वेरी वेरी एक्सपेंसिव डिवाइसेस, आई टेल यू। सर, मेरे फेसबुक को किसी ने दो बार हैंग कर चुका है और मेरे सगे संबंधी से पैसा मांग रहा था।
अब आपका फेसबुक अकाउंट वापस आया आपके पास कि नहीं आया है? जी आ गया है। तो आप उससे फिर से एक बार रिलीज कर दें अपने फ्रेंड्स को कि ऐसा आपका फेसबुक हैक हो गया था जिसकी वजह से ये फेक मैसेज प्रोड्यूस हुआ था मेरे अकाउंट से। तो बी वेयर है ना कि जब से आगे से अगर मुझे ऐसी कोई जरूरत होगी तो मैं पर्सनली कॉल करूंगा फेसबुक के थ्रू पैसे आपसे या कुछ भी ऐसा डिमांड किसी चीज की या पैसे की नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि सवाल बहुत सारे हैं और उत्तर भी बहुत सारे अभी होने बाकी हैं। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारा आखिरी कार्यक्रम नहीं है, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग और भी आयोजित करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है और जिज्ञासा भी है जिससे हम जान पाए कि और क्या क्या हो सकता है। मैं चाहूंगा कि अब ये हम समाप्त करें और मैं इस आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े आज मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और कृपया म्यूट रखें। तो अगर आज मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मैं आज के कार्यक्रम की अनुमति हमें मिली है डॉक्टर हिमांशु दास सर से जो निदेशक है हमारे इस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगन सशक्तिकरण संस्थान के, मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम को हम संचालित कर पाए। हमारे साथ आज बहुत ही उपयोगी और एक साधन सेवी के रूप में हमारे बीच जुड़े हैं मिस्टर अमित कुमार जी जो दिल्ली सेशन कोर्ट से हमारे बीच एक एक्सपर्ट के रूप में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच आए और उन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें की। मैं चाहूंगा कि सर हमें बाद में अपना और समय दें और हम उनको और भी अगले कार्यक्रम में दें क्योंकि उनसे प्रश्नों की जिज्ञासा के तरफ मैं देख पा रहा हूं। तो हमें लग रहा है कि नहीं, हमें ऐसे कार्यक्रमों को और आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारे बीच नेगी साहब भी हमारे बीच यहां जुड़े, राजेंद्र सिंह नेगी जी यहां पर हमारे टीसीबी में ही ITAT एजुकेटर हैं और काफी उनकी दक्षता है एक्सेसिव टेक्नोलॉजी में, तो वो हमारे बीच जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन में हेमा कैलासिया मैडम जुड़ी रही जो एक नैरेटर है, आपने कई लोगों ने उनकी किताबें सुनी होंगी जो रिकॉर्ड करके वो टॉकिंग बुक द्वारा हमारे बीच आया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के कार्यक्रमों को और आयोजित करें, ये हमारा एक प्रयोग था कि इस तरह की चीजों में लोगों की रुचि भी होनी चाहिए, तो मैं देख पा रहा हूं कि रुचि लोगों की है और हम इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित करेंगे। मैं इस तरह के कोई भी और भी फीडबैक हो तो आप किसी तरह से हमें संदेश अपने दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।